यशोमति मैया के नंदलाला। दोनों रस्सियों को बांधती हूँ फिर भी तो उंगल छोटी पड़ गई, कैसे? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है, आज मैं तुझे बांध के रहूंगी। जिनमें पूरा ब्रह्मांड बसो है, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत, उन सर्वव्यापी परमात्मा को एक रस्सी में बांधना कैसे संभव है भला? इतनी रस्सियां जोड़ दी, अब कम कैसे पड़ सकती है? जे हो क्या रहा है? और अब तक तो इसे इसकी गलती भी समझ में आ गई होगी ना, जो भूल की है उसका दंड तो मिलेगा, और तुम सब इसके सामने अधिक अच्छी बनने का प्रयास मत करो, समझ आई? जी जी आगे से ना करेंगे, क्षमा कर दो उसे। हर बार रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ती है, ऐसा क्यों देवर्षि? फिर से दो अंगुल छोटी पड़ गई, ये कैसे संभव है? आज चाहे जितनी भी रस्सियां जोड़नी पड़ जाए, तुझे तो बांध के रहूंगी मैं। अरे भाभी, भाभी आपने वो पीछे गेहूं सुखाने रखे थे ना, चिड़िया चुग जाएगी उन्हें। चुग जाने दे, आज मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, ये रस्सी और इसका दंड। बिल्ली बिल्ली, भाभी बिल्ली भीतर घुस गई है, दूध दही माखन सब खुला पड़ो है भाभी। हाँ जी जी, सही है। जिसे जो करना है करे, भीतर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई अंतर ना पड़ता। आज तू देख, तुझे बांध के रहूंगी मैं। सॉरी रस्सियां बांधी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? पूरा का पूरा गट्ठर लेके आई हूं काना, अब देखती हूं जे कैसे छोटा पड़ेगा। मैया गजरा, गिरने दे। जी जी जाने दो ना, बहुत छोटा बालक है। हाँ भाभी, उसे कितना कष्ट भी हो रहा है। हमसे गलती हो गई जसोदा जी। मत ही बांधो। हे नारायण, अब आप ही संभालो, सब जे रस्सी कम ना पड़े। इस बार रस्सी दो अंगुल छोटी नहीं पड़ी। पहली अंगुली की दूरी भक्त की निष्ठा का प्रतीक होती है देवी। स्वयं को समर्पित करके भक्त को ये दूरी तय करनी होती है, और दूसरी अंगुली की दूरी स्वनिष्ठा अर्थात ईश्वर की इच्छा का प्रतीक होती है, जिसे भक्त की भक्ति में बंधकर भगवान स्वयं तय करते हैं। अर्थात
जो भक्त अपने आप को पूर्ण तरह से अपने भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, भगवान अपने आप ही उस भक्त के सामने समर्पित हो जाते हैं। बहुत कसके तो ना बांधे, कैसा दंड है माधी? मैया स्वयं बांध भी रही है और चिंता में व्याकुल भी हो रही है। भक्ति के स्वरूप को वात्सल्य कहते हैं देवी। ममता और प्रेम के दो सिरों से आज यशोदा और कृष्ण ने दो अंगुल की चिर दूरी भी मिटा दी। इसे ऐसे ना देख सकती मैं, पर जिसे सीख लेना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तुम सबको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा ना मेरे लल्ला को बंधा देखकर। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम सब? दामोदर, 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 जिसके उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधी हो वो दामोदर ही तो कहलाएगा जसोदा। चोर, माखन चोर कहलाएगा जी। नाम आना वाला दोनों जीजी। क्षमा कर दो मैया, मैया क्षमा कर दो, मैया क्षमा कर दो, मैया खोल दो ना मैया, मुझे खोल दो। यशोदा जी जी अपने लल्ला को ऐसे ओखन में बांध कर ना जा सकती। क्या हुआ नलकुवर, कहाँ खो गए मनीग्रीव? पहचाना नहीं क्या? मैं वही हूँ जिसका नाम तुम दोनों युगो से जप रहे थे। नारायण हरि, श्री हरि। प्रभु प्रभु, आपने हम पापी भाइयों को दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु हम हैं तो श्री कुबेर देव के पुत्र, किंतु हम इतने सौभाग्य के योग्य नहीं हैं। हमसे घोर पाप हुआ था प्रभु। अद्भुत, अद्भुत आनंद है इस वारुणी में। लड्डू लूना। श्री हरि नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ, तुम रोग रुक क्यों गए? लगता है इन्हें आनंद चखाना पड़ेगा नलकुवर। कुबेर के पुत्र हैं हम, ये जो भी हो हमें क्या। श्री हरे नारायण हरे, नारायण हरे, श्री हरे नारायण हरे। नलकुवर, मणिग्रीव बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, या फिर इतने उन्मत्त हो गए हो कि तुम्हें ये बात का भी ध्यान नहीं है कि पूरी तरह नग्न हो? हाँ, है तो? तुम दोनों को तनिक लज्जा भी नहीं है, उन्मत्त हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे हो। ये भी भूल गए तुम कि श्री कैलाश से बहने वाली पवित्र माँ मंदाकिनी की गरिमा और मर्यादा को भंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी मर्यादा भंग कर दी हमने देवर्षि?
तो आप चाहते हैं कि हम लज्जित हो, पर किस लिए देव ऋषि? केवल इसलिए कि हमें सुंदर और बलिष्ठ धन प्राप्त हुआ है, या फिर इसलिए कि हमारे पास अथाह धन है, सुख सुविधा का साधन है, जिससे आप वंचित हैं देव ऋषि? इन तामसिक विचारों पर और इस दुष्कृत्य पर लज्जा आनी चाहिए तुम दोनों को, लज्जा आनी चाहिए अपने अभिमान पर। तुम दोनों का जन्म कुबेर के वंश में इसलिए नहीं हुआ कि अपना जीवन मदिरा और भोग विलास में व्यर्थ कर दो। यदि तुम्हें इस जीवन का सौभाग्य मिला है तो इसलिए, ताकि तुम कुछ परोपकार कर पाओ, समाज का, विश्व का कल्याण कर पाओ। अरे देव ऋषि, हम कल्याण ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, इन स्त्रियों का, इस मदिरा का और इस जीवन का। जड़ बुद्धि और अहंकारी हो तुम दोनों, तुमसे श्रेष्ठ तो वृक्ष हैं, जो नग्न होकर भी अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते हैं। अब हम आपको कैसे समझाएं ऋषि कि हम वृक्ष नहीं हैं? तो आज से अगले 100 देव वर्षों तक तुम दोनों वृक्ष बनकर ही जियोगे, ताकि इस अवधि में तुम श्री नारायण की कृपा से अपने वातावरण के प्रति सम्मान प्रकट करना सीख पाओ। ये मेरा श्राप है तुम्हें, देवर्षी। हरे नारायण हरे, कृपा श्री हरि, नारायण श्री हरि, कृपा श्री हरि, नारायण श्री हरि। हमने तो देव ऋषि नारद का अपमान किया था, हम तो इस योग्य भी नहीं थे प्रभु कि हमें आपके साक्षात दर्शन के सहयोग के मिले। प्रभु, आपकी लीला, आपका बचपन, आपका हंसना, रोना, रूठना, आपके नन्हे नन्हे पाँव का पहला पग रखना, आपके श्री मुख से पहला स्वर सुनना, हम इन सबके सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु। हम तो इसके अधिकारी भी नहीं थे, हमसे घोर पाप हुआ था, देव ऋषि नारद के श्राप के योग्य थे, फिर हमने ऐसे कौन से पुण्य के कर्म किए थे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु? अविश्वसनीय है पर सत्य है, श्राप के रूप में एक सोचा समझा आशीर्वाद ही था ये, ताकि तुम दोनों उन विकारों से मुक्त हो पाओ जिनके उन्माद में तुम खो गए थे। एक बार सूर्य से साक्षात्कार हो जाए तो फिर किसी की आंखों में अंधकार वास नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जब किसी को ऐसे सद्भक्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए जो अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो फिर वो भाग्यशाली सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से या किसी भी प्रकार के अन्य विकारों से ग्रस्त नहीं रह सकता। तुम दोनों भी मुनि नारद के आशीर्वाद के कारण अपने सभी विकारों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम स्वर्ग लोक लौट सकते हो। नहीं श्री हरि, हम यही रहना चाहते हैं गोकुल में, आपकी भक्ति की छत्र छाया में प्रभु। पर शीघ्र ही मैं सेम भी यहाँ नहीं रहूंगा, इसीलिए अब तुम भी जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मेरी भक्ति की इच्छा तुम्हारे हृदय में जाग चुकी है, अब कभी भी तुम अपने पद से नहीं भटकोगे। आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण, आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि ये सब देखकर मैया क्या सोचेगी। कान्हा, 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 तू ठीक तो है ना? हाँ लल्ला,
तुझे कुछ हुआ तो नाना? हाँ लल्ला बता, तू ठीक तो है ना? काना? काना? क्या होगो? मैंने इसे ओखल से बांधा था जी, दंड देने के लिए। पता जाने कैसे जब बड़े-बड़े वृक्ष गिर गए, इसे कछु हो जाता तो? काना, तुझे कहीं चोट तो ना लगी? हाँ, पीड़ा हो रही है? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। भैया मुझे कछु ना हुआ, चिंता मत करो। हुआ कैसे ना है? जब देख तेरे पेट पे इतने बड़े-बड़े चिन्ह बन गए। ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती। कान्हा दे मोड़ दे। आजा कान्हा, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंदलाला क्या कर सकता है। तो है आजा। ओ तो वो ही करना होगा जो मैं माखन चोरी में करता था। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चले जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यहीं मिल गई। हाँ हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते। पूर्णा मौसी? हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब जे बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा। तब तो इसका नाम जसोदा कुंड होना चाहिए। पूर्णा मौसी क्या होगो? कहाँ खो गई मौसी?
कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जल स्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के कुओं में भी जल स्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दिए हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तो हमारी गायों को कम पड़ जाएगा। अब रहने दो नंदराज, हम कैसे ना कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज, कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ। बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो। सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ, कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप। जानकी, कर दी ना गड़बड़, सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है, तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? और सबसे विशेष बात तो ये है, जिस विष्णु अवतार के वहां होते हुए भी गोकुलवासी जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल है। इसका अर्थ ये है कि उस छलिए में इतना साहस नहीं कि वो प्रकृति के क्रोध का सामना कर सके। ध्यान रहे दुर्जन, गोकुल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए। देखना रोचक होगा इस समस्या का क्या समाधान करता है। ए, विष्णु अवतार। चल डालो, चल डालो।
कोई समाधान ना सूझ रहे यशोदा। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, वो भी शीघ्र ही। मैं ना चाहता कि हमारे गांव छोड़ने की स्थिति आए। आप चिंता मत ही करो जी, मुझे पूरा विश्वास है श्री नारायण हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। वो हमसे हमारे जड़ हमारी मिट्टी ना छुड़वाएंगे। अपना सारा जीवन यही बितायो है मैंने, इसी गोकुल की मिट्टी में। ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया बाबा और अन्य गांव वालों का जुड़ाव बहुत अधिक है यहाँ से। ऐसे तो इन सब के पास और गैयाओं के पास भी भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। आज रात मैं अपना कार्य करूंगा मुरली, और उपनंद ताऊ जी करेंगे अपना कार्य वहाँ। ही तो चाहिए था हमें। इससे पहले कि सूर्यदेव अस्त हो, मुझे स्वयं वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। केवल कुंडी ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया। सारे कुंडों कुओं और जलाशयों की यही दशा है नंदराज। मैं कहां से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं, सारे के सारे सूख गए। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना चाहिए। खाना? खाना जी?
बताइए तो सही, क्या करने वाले हैं आप? पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हां नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहां भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगा ना हमें, पर हम जाएंगे कहां? हां नंद भैया, हम कहां जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे, जो असंभव है, ऐसे कैसे चले जाएं अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहां हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए? हाँ नंदराज, बताओ हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहां? वृंदावन, वृंदावन। नंद भैया, आप कहां चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था, यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ
सवा प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषि मुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित हो गया। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं। भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां देखो चहुंओर पुष्प पुष्प है, फूल ही फूल खिले हुए। जल की भी कोई समस्या नहीं है नंद, जितने भी कुंड मैंने देखे सबके सब लबालब जल से भरे हुए थे। जिधर देखो झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है। जब गोकुल छोड़कर जानो ही है तो इससे उत्तम स्थान और बसने के लिए ना मिल सके हमें। मुझे तो लगता है कि प्रभु श्री नारायण ने हमारे लिए पहले से ही यह स्थान चुनकर रखो। ये सब चाहे जो निर्णय ले ले, मैं अपना घर छोड़कर कहीं ना जा रही। नंद, एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है, क्या निर्णय है तुम्हारा? हम वृंदावन जाएंगे, यात्रा की तैयारी आरंभ करो। नंद जी, इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय लेना ठीक ना है। हाँ नंदराज, हम हमारा घर गृहस्थी छोड़कर ना जाएंगे। हम ना जाएंगे नंद भैया। समझने का प्रयास करो यशोदा, यदि तुम भी। आप समझने का प्रयास करो नंद महाराज, ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे हमें अपना जीवन अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपना निर्णय ना बदल सकता, इसलिए हमें यात्रा की तैयारी आरंभ करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने परिवार वालों को मनाना होगा। हमने साथ मिलकर आज तक जो भी काम करो है उसमें सदैव सफलता पाई है यशोदा। आज भी मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इतने वर्षों में एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मैंने आंखें मूंद कर आपकी कहीं ना मानी हो। आपके हर निर्णय हर कार्य में आपका साथ दिया है मैंने और आगे भी दूंगी, पर गोकुल छोड़कर जाने की बात मत ही करना आप। बसे बस आए घर को छोड़ के चली जाओ, इतना कठोर ना है मेरा हृदय। यशोदा, 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 स्थिति को समझो यशोदा। और मेरी स्थिति उसे कौन समझेगा?
इस घर में कितनी स्मृतियां हैं मेरी। विवाह के बाद अपने मैया बाबा को छोड़कर जिस अपरिचित स्थान पर पहली बार आई थी, जो वही घर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।